ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं ओसवाल सैंपल पेपर से ले रही हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 83 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एपी सीरीज है, ठीक है। मैं यहाँ पर एपी सीरीज बना देती हूँ। एपी सीरीज का जो जनरल होता है सीरीज वो क्या होता है, वो होता है A1, A2, A3 डैश डैश एंड टर्म तक, ये एपी सीरीज होता है, ठीक है। इसमें कह दिया है कि एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म इस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म, यानी कि ये है फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले आता है A1, वो कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं। द फर्स्ट टर्म, ये एक एपी सीरीज है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 3, तो इस A1 की जगह मैं क्या लिखूंगी 3, ठीक है। और क्या बोला, द लास्ट टर्म इज 83, द लास्ट टर्म यानी कि देखिए ये जो एपी सीरीज इसका लास्ट टर्म क्या है, an है, तो ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितना बोल रहा है 83, यानी कि an जो दिया हुआ वो 83 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये बीच में a2 a3 और न जाने कितने टर्म है ये इसमें नहीं बताया वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है इस एपी सीरीज का वो 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया है, और लास्ट टर्म जो है वो मैंने 83 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को a से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर a1 है, ठीक है, A1 भी है, और इसको फर्स्ट टर्म को A से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों का मतलब है कि ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3, ठीक है। अच्छा, A3 देख, ये क्या है, लास्ट टर्म है, क्वेश्चन में ही बता रहा है, यानी कि An कितना दिया हुआ है 83 दिया हुआ, ठीक है। अब 3 और 83 के बीच में कितने टर्म है हमें ये नहीं पता, ठीक है। यानी कि यहां हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन निकालना है कि A1 से लेकर A1 यानी कि 3 और 83 के बीच में टोटल कितने टर्म है। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। और क्या इसमें गिवन बोल रहा है, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जितना ये जो एपी सीरीज है इसमें 3 से लेकर 83 तक जितने भी नंबर दिए हुए हैं वैल्यू, ठीक है, उन सबका सम जो दिया हुआ है वो 903 दिया हुआ, ठीक है। सम यानी कि एस एन कितना दिया हुआ है 903, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 900, ये 3 दिया हुआ सम, ये पूरे जितना भी इस एपी सीरीज में जितने भी टर्म हैं उन सब का सम दिया हुआ है 903, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश, यानी इन सबको सम करेंगे वो क्या आएगा, SN आएगा। हमें यहाँ पता तो है नहीं कि लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म की जो वैल्यू बताई है वो कितने टर्म पर, किस टर्म पर है वो, ये तो नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू ये 83 बताया है, किस टर्म पर ये नहीं पता। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 दी हुई है, लेकिन 83 किस टर्म पर है ये नहीं पता है। तो सम यहाँ पर क्या बोल रहा है, सारे टर्म जो है उनका सम कितना दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिखा, क्योंकि एन तो हमें नहीं पता ना, इसलिए हम SN लिखेंगे। तो ये SN बता रहा है कि इस एपी सीरीज में जितने भी टर्म है उन सबको एड करने पर कितना आ रहा है 903, ठीक है। अच्छा, मेन जो फॉर्मूला होता है एपी सीरीज का वो क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। ये बता, जिस टर्म की वैल्यू, जैसे एन टर्म का वैल्यू निकालना है तो वो ये फॉर्मूले से निकालते हैं, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू 2A प्लस एन माइनस 1D, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए AN कितना दिया हुआ है, 83 दिया हुआ, तो ये यही दो फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो AN कितना दिया हुआ है 83, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर AN की जगह हम क्या लिखेंगे 83 इसकल टू A, देखिए A की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहाँ A की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस एन, एन तो दिया नहीं है, एन जो ये 83 जो दिया है किस टर्म पर ये नहीं बताया है, तो एन, एन तो हमें पता नहीं है, तो ये एन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस 1। और ये क्या दिया हुआ, डी, डी भी नहीं पता है हमें, यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू पता करनी है और कॉमन डिफरेंस हमें ये दोनों पता करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया, एन, ये फॉर्मूले में एन देखिए 83 दिया हुआ मैंने यहाँ रख दिया, इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 3 इधर हम लेके चले आते हैं, ये प्लस 3 इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 83 में से 3 माइनस कीजिए तो 80 हो जाएगा, इक्वल टू, और ये क्या है एन माइनस 1 डी, ठीक है। एन और डी की वैल्यू पता नहीं इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस एन, एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2A प्लस एन माइनस 1D, यही है, ठीक है। तो देखिए एस एन की वैल्यू तो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एस एन दिया हुआ 903, ये गिवन है 903 गिवन है, और ए की वैल्यू भी दिया हुआ है वो कितना है, आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है वैल्यू, तो ए 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, एस एन की जगह क्या लिखेंगे आप, एस एन कितने के बराबर है 903 के बराबर, तो यहाँ 903 लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू ये एन, एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, तो एन अपॉन टू ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 2A, तो A की वैल्यू कितनी 3 है, तो 2 इंटू, और A की वैल्यू 3 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, प्लस
ये n माइनस वन डी, ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 903 इक्वल टू n अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो n माइनस वन ब्रैकेट होल ब्रैकेट और d दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ निकाली है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यहां मैंने निकाला है ना, यहां देख सकते हैं ये 3 को इधर लेकर चले आए तो ये 80 हो गया इक्वल टू एन माइनस वन डी, यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि एन माइनस वन होल ब्रैकेट डी जो है इसकी वैल्यू कितनी है 80 है। तो ये जो यहां पर ये जो आ रहा है ना एन माइनस वन ब्रैकेट और ये डी है जो, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 80, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देती हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी 236 प्लस इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 80 लिखूंगी, कैसे किस तरह से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखिए इक्वेशन और ये फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 903 इक्वल टू ये हो जाएगा n अपॉन 2, ठीक है, n अपॉन 2 इंटू और ये हो जाएगा 6 प्लस 80 कितना हो जाएगा 86, ये हो गया 86, ठीक है। तो यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 3 6, ये आया हमारे पास। तो 903 इक्वल टू कितना आया, ये आया हमारे पास 43n आया, ठीक है, 43n आया। हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो देखिए n के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो 903 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला आएगा, ये आ गया इस तरीके से। तो चलिए इसको पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, 903 और ये क्या हमारा 43 है, तो इसको हम कितने टाइम्स लेकर जाएंगे, इसको हम लेकर जाते हैं 2 टाइम्स, 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 4 8, ठीक है, 10 में से 6 गया 4 बचा और यहाँ पे 3 आया 1 43, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 43 से डिवाइड भी होगा, आप देख सकते हैं 43 टू जो कितना होगा 86, 10 में 6 गया 4 3 का आ रहा, तो काटने पर कितना आ रहा है 21। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई है 21 आई है, ठीक है, n की वैल्यू 21, ये बता रहा है कि इस एपी सीरीज में टोटल 21 टर्म है, ये जो n की वैल्यू आ रही है ना, ये जो n की वैल्यू जो 21 है, क्योंकि हमें देखिए क्या क्या फाइंड करना था, एक n हमें पता करना था, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये n बताना है और d बताना है। तो देखिए n मेरा निकल गया, कैसे निकला, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, n की वैल्यू 21, ये 21 क्या बता रहा है कि इस ap सीरीज में टोटल 21 टर्म है, तो n की वैल्यू निकल गई। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, d की वैल्यू पता करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 80 है ये किसके बराबर है, 80 इक्वल टू n माइनस वन डी के बराबर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी लेकर आए हैं, n की वैल्यू मेरी कितनी है, ये 21, यहाँ पर 80 किसके बराबर है, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी वो क्या है, 80 इक्वल टू एन माइनस वन डी है, यही है इक्वेशन फर्स्ट है जो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है ना, ये इसको मैं यहाँ ले देती हूँ, हमें डी की वैल्यू भी चाहिए तो ये एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, डी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो 80 इक्वल टू एन की वैल्यू 21 माइनस वन और ये डी, तो 80 इक्वल टू ये हो जाएगा 21 में से बन गया 20, डी की वैल्यू चाहिए हमें, तो 80 ये 20 इसके साथ इनटू में है, इधर साइड आएगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कैंसिल, 2 4 8, तो आप देख सकते हैं डी की वैल्यू यहाँ पर 4 आई है और एन की वैल्यू 21, यानी कि इस एपी सीरीज में टोटल 21 टर्म है और दो कॉमन डिफरेंस क्या है वो 4 है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।